نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بزرگوں اور بھائیوں تعالیٰ جل شانہ نے اس مبارک مہینے میں ہمیں روزوں کا بھی حکم دیا اور تلاوت قرآن کا بھی حکم دیا. مناسبت دونوں میں یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا, تو ظاہر سی بات ہے کعبۃ اللہ کو فضل مکہ المکرمہ کو فضیلت کعبہ کی بنیاد پر ہے اور مدینہ المنورہ کو فضیلت ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے. تو رمضان کو فضیلت قرآن کریم کی بنیاد پر ہے. پھر عربوں کے وہاں دن شروع ہوتا تھا صبح صادق سے اور دن ختم ہوتا تھا غروب آفتاب, اور یہی قمری حساب ہے اور عرب ہمیشہ قمری حساب پر چلتے تھے اور قرآن اصلاً ان کے ماحول میں اترا. اس لیے تعالیٰ نے روزوں کی ابتدا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکھی. مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم بھی ایک طویل جہالتی دور کے بعد یعنی اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے آیا. اور روزے کی ابتدائی اندھیرا ختم ہونے کے بعد ہے, روزے کے ذریعے سے انسان کا دل منور ہوتا ہے اور دل قرآن کریم سے بھی دل منور ہوتا ہے. تو ان دونوں کی مناسبت کی وجہ سے رمضان میں سب سے اعلیٰ عبادت تلاوت قرآن ہے, سب سے اعلیٰ عبادت. اسی لیے ابھی جو آپ نے ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ وبرد مزہ فضائل قرآن کی جو احادیث ہم نے جو سنی, اس میں پہلی بار تو حضرت نے جو چھ آداب بیان کیے ہیں اس کو ہمیشہ محفوظ رکھو. چھ آداب بیان کیے ہیں, یاد بھی رہے وہ چھ آداب. اچھے ادب ابھی پڑھے گئے. پہلا ادب یہ ہے کہ ہو سکے تو کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے. نمبر دو ادب یہ ہے کہ قرآن کا احترام اور اونچی جگہ رکھے. نمبر تین آیات شکر پر اللہ کا شکر ادا کرے, اور آیات مصائب پر تعالیٰ جل شانہ و من والہ سے مصائب سے پناہ مانگے. ایک ادب یہ ہے کہ تلاوت قرآن پر روئے, آیت عذاب ہے اس میں اس پر روئے. یہاں قریب میں ایک گاؤں ہے, اب تو وہ ختم ہو گیا, دہلا کر کے ایک گاؤں تھا کوساری کے قریب, وہاں حافظ دہلا والا رحمت اللہ علیہ تھے. میں بچپن میں ان کے پاس جایا کرتا تھا. حضرت بدنی نور اللہ مرکزہ جمعیت علماء کا اجلاس تھا سورت میں,
और हजरत तशरीफ लाए थे और हजरत के खादिम में खास थे उस जमाने में जो नरोली के थे। उन्होंने हजरत बदले रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि हजरत मेरा गांव यहां से करीब है, अगर आप तशरीफ ले चले तो हजरत ने फरमाया कि जरूर आएंगे तुम्हारे पास। तो मुझे बताया कि 1 किलोमीटर दूर से हजरत का इस्तकबाल किया गया, जहां से तरकेसर का रास्ता मुड़ता है वहां से लोग खड़े थे नरोली में। हजरत तशरीफ लाए और फिर ईशा के बाद हजरत की बात हुई तो हाफिज देला वाला कहते हैं कि मैं बिल्कुल सामने बैठा था तो हजरत मदनी अलैहि इब्राहिम मुझे 5 मिनट तक देखते थे, हालांकि इससे पहले मेरी कोई मुलाकात नहीं थी। फरमाया कि हजरत मुझे देखते रहे और मेरा बुखार बढ़ता चला गया और मैं बेकाबू होने लगा और करीब था कि मेरा कल्ब फट जाता। ये जिसको अहमदुल्ला की तवज्जो देते कोई चीज देखी होगी हबी साहब ने, चीज तो क्या थी असल में, हबी साहब कुरान बहुत पढ़ते थे, अहमदुल्ला आप जाते हैं कुरान बहुत पढ़ते थे। तो 5 मिनट तक फिर हजरत ने नजर हटा ली और अपनी बात शुरू कर दी। पर मैं फरादत के बयान के बाद मैं हजरत के पास पहुंचा और कहा कि मुझे बैठ कर लीजिए, तो बैठ फरमा दी। फिर उसके बाद भी हजरत मदनी अलैहि इब्राहिम उनके वहां तशरीफ लाए थे और बाहर उनका खेत था, तो खेत में हजरत ने रात में जिक्र फरमाया था तो उन्होंने वो जगह कॉर्डर कर ली थी, अब तो वो खत्म हो गई। बचपन में मैं उनके पास जाया करता था तो वो मुझे ले गए थे वहां बताने के लिए और आशिक के जार थे हजरत मदनी के। जब हजरत मदनी उनके घर पे तशरीफ लाए और रात में सारे लोग निकल गए तो जो बिस्तर उनके लिए बिछाया था फरमाया इस बिस्तर को हाफिज जी निकाल दो और मेरा बिस्तर बिछा। हजरत मदनी अपना बिस्तर साथ रखते थे और वो बिस्तर था सुन्नत के मुताबिक चमड़े का और अंदर में घास भरी हुई थी और उसी का तकिया भी था, तो वो अपने हजरत साथ रखते थे। फरमाया मेरा बिस्तर बिछा दो, बिछा दिया। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहेब कापूर रजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं उसी वक्त फारिग होकर आया था तो मैंने हबी साहब से कहा कि मैं हजरत के साथ कमरे में सो जाऊंगा। तो फरमाया सो जा लेकिन खांसना मत, वरना हजरत की आंख खुल जाएगी फिर नींद नहीं आएगी। हजरत फरमाते हैं कि मैं तो इसलिए सोया था कि हजरत 4 बजे तहज्जुद में उठेंगे तो मैं वजू कराऊंगा, दुआ मिलेगी। खुद मौलाना अब्दुल्ला साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बयान किया हजरत ने कि 4:15 या 3:30 बजे मेरी आंख खुली थी तो रोने की आवाज आ रही थी हिचकियों के साथ। मैंने देखा कि हजरत मदनी नमाज से फारिग हो चुके हैं, मुसल्ले पर रो रहे हैं। रोना ऐसा था हिचकियां हो गई।
फरमाया, तब मुझे वो हदीस का मतलब समझ में आया कि कल मेरे जल नबी अलैहिस्सलाम ऐसे रोते थे जैसे चोले पर आंधी जोश मारती। फरमाया वही कैफियत बदली की थी। और जब फारिग हो गए नमाज और दुआ से तो फरमाया, हाफिज जी मेरा बिस्तर उठा कर लपेट दो, अपना बिस्तर बिछा दो, वरना लोग कहेंगे मक्का है। अल्लाह रियाकार, यही वो बात है कि अहलुल्लाह की सोहबत से मिलती है, अल्लाह वालों के पास जो रहने से मिलता है ना वो यही मिलता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि कयामत के दिन जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो फिर अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह कुछ लोग थे जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, यसोमू न माना व यसलू न माना व यहुजू न माना, हमारे साथ नमाज हमारे साथ रोजा हमारे साथ इफ्तारी की थी हमारे साथ हज किया था, अल्लाह जन्नत में कहीं नजर नहीं आ रहे, वो कहां चले गए? तो अल्लाह फरमाएंगे कि वो जहन्नम में जाओ, उनको तुम ले आओ। फिर वो जो जन्नती है वो उनको ले आएंगे। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अहलुल्लाह की सोहबत यहां तो फायदा देगी ही वहां भी देगी। नेकों के साथ नमाजें पढ़ना, बैठना, उठना, रोजे रखना वो कयामत के दिन हमें याद करेंगे। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। तो हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, अभी वो गरीब शख्सियत थी, मैं उनको बुजुर्ग समझ कर नहीं जाता था, साफ बात, मैं तो छोटा था। उनकी बारी थी आम की, इमली की, चीकू की, और वो सखी बहुत थे, तो मैं तो उनके पास ये चीकू और ये सब लेने जाता था। तो छैली भर के मुझे देते थे, चूंकि मेरा बचपना था और मैं पैदल जाता था, हमसे 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पड़ता तो मैं पैदल जाता था, तो हजरत हाफिज साहब थैला भर के दे देते थे। लेकिन एक नसीहत जरूर करते थे, गुजराती में कहते थे, कुरान शौक से पढ़ना, अल्लाह तुझको देखता रहता है, ये जुमला फरमाते थे। ये जुमला मुझे अभी याद आया जब फजाइल कुरान में हजरत शेख ने एक बात लिखी कि जब तुम कुरान पढ़ो इस अदब के साथ और ये सोच कर कि मैं अल्लाह को सुना रहा हूं, अल्लाह सामने है मेरे। तो मुझे वो बचपन का जुमला याद आया कि वो गुजराती में मुझे यूं कहते थे कि कुरान शौक से पढ़ना, अल्लाह तो उसको देखता है। कभी कभी हाफिज साहब जो है नमाज में ऐसी चीख लगाते थे किसी आयत पर, कोई जहन्नम का तस्करा या कोई जन्नत का तस्करा, ऐसी चीख लगाते थे कि पड़ोस में जो आदमी खड़ा होता था वो डर जाता था, ऐसे जोर से चीख लगाते थे। नमाज में उनकी चीख शुरू हो जाती थी। यही हमारे हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने आदाब बयान फरमाए कि आया के आदाब पर रोना आना चाहिए, और अगर रोना नहीं आता है तो कम से कम रोने की सूरत बना लेना।
तकल्लुफन चेहरा बना दे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत मुझे रोना नहीं आता, तो हजरत ने फरमाया कि अल्लाह के वहां तकल्लुफ ही मतलूब है, रोना ना आवे, रोने जैसी सूरत बना दो। फरमाया हजरत ये भी नहीं है, तो जुमला सुनो। हजरत हसन बसरी ने फरमाया फिर अपनी तकदीर पर रोया कर कि अल्लाह ने रोने की दौलत से तुझे महरूम कर दिया। रोने की सिफत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है रोने की सिफत। अल्लाह नसीब फरमा दे हमें अपने दर्दो गम पर, अपनी बीमारियों पर हमें रोना आता है, जिस्मानी बीमारियों पर, लेकिन रूहानी बीमारियों पर हमें रोना नहीं आता। तो बड़ी मुनासिबत है कुरान करीम और रमजान, इसलिए रमजान में सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान। बस करने वाले इतना कर गए कि पूरे रमजान में उनके 40-40 कुरान खत्म होते थे। हमारे हज़रत शेख मौला ज़करिया साहब नवरल्लाह मरकज़हू क़ुतुबुल अख़्तार थे, हजरत रमजान में 30 कुरान पूरे करते थे। और तरतीब क्या थी हजरत की, आज जो एक पारा तरावी में होने वाला है उसको 30 मरतबा पढ़ते थे दिन में उसी पारे को। तो जब एक पारे को 30-30 मरतबा पढ़ोगे तो 30 दिन में 30 पारों को 30-30 मरतबा पढ़ा, 30 कुरान पूरे हो गए। तो कुरान याद भी हो जाता है, पढ़ने में भी आसानी, मजा भी आता है। फिर अल्लाह शानहू ने जो रमजान हमें दिया है वहां हमें मुहर्रमात से सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं है, मुहर्रमात से अपने आप को बचाना है, हराम कामों से, गीबत से। फरमाया गीबत तुम्हारे रोजे को फाड़ देती है, झूठ से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया झूठ बोलते हो सिवाय भूखे रहने के कुछ नहीं मिला। तो जहां खाने पीने से परहेज है, इन गुनाहों से भी, महर्रमात से भी परहेज है, गीबत से, झूठ से, अबस फजूल बातों से, बेकार बातों से बहुत परहेज। फिर याद रखो कि एक रोजा सुबह सादिक से लेकर गुरू भी आफ्ताब तक का है, और एक रोजा पूरी जिंदगी का है। ये जो अभी रोजा हम रख रहे हैं ना, सुबह साजिद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, उसमें कुछ चीजें मतलूब है, कुछ ममनू है। मतलूब है नमाजें, मतलूब है खाना छोड़ना, मतलूब है पानी छोड़ना, मतलूब है बीवी छोड़ना, मतलूब है इसके अंदर तरावी पढ़ना, मतलूब है इसके अंदर अल्लाह का जिक्र, ये मतलूब है। और ममनू है गीबत, झूठ, बुराई। हत्ता के हुजूर पाक शासन ने फरमाया कि कोई तुमसे लड़े तो तुम कह दो भाई मेरा रोजा है, मैं तुझसे नहीं उलझता। कोई लड़े तो कह दो, या तो अपने नफ्स को समझा दो कि तेरा तो रोजा है, या उसको कह दो कि भाई मेरा रोजा है, मैं इन बातों में नहीं उलझता। यहां तक फरमाया कि उलझना भी नहीं है। तो जैसे इस रोजे में कुछ मतलूब है, कुछ ममनू है, इसी तरह ये जो हमारी पूरी जिंदगी है ना, उसमें भी कुछ मतलूब है, कुछ ममनू है। मतलूब क्या है, ये जो हमारी पूरी हयात मौत तक इसके अंदर हम शरीयत के मुताबिक काम करें, हलाल खाएं, हराम से बचें, इबादतों की पाबंदी करें,
ممنوع کیا ہے غیبت سے جھوٹ سے فروڈ سے دھوکوں سے گندی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ روزہ ہمارا شام کو افطار ہوگا غروب آفتاب کا, اور یہ زندگی کا روزہ اگر شریعت کے تقاضوں پر ہم نے زندگی پوری کی اور پوری زندگی کا روزہ صحیح ڈھنگ سے کیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی سے افطار ہوگا. قیامت کہ زندگی کو خوشگوار اگر گزارا جیسے شریعت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے تو نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ملے گا اور ہم اس سے افطار کریں گے. پھر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ مجاہدات مطلوب نہیں ہے, مجاہدات تو اسباب ہے. ذرا اس بات کو غور سے سمجھیں, مجاہدات مطلوب نہیں ہے, مجاہدات سبب ہے. اور مجاہدات کے ساتھ شریعت نے اعمال کو جوڑا ہے. اور اس پر اثرات مطلوب نہیں ہے. تین چیزیں, شریعت بڑی جامع ہے ہماری, اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت ہے, شریعت کے نیچے علت ہے, یعنی ایک حکم ہے شریعت جس کو, تو پھر اس کی علت ہے کہ یہ حکم کیوں, اس کی علت ہے. اور علت کے نیچے حقیقت, اس کی یہ حقیقت ہے. اور پھر اس کے نیچے حکمت, شریعت ہے پھر علت ہے پھر حقیقت ہے پھر حکمت ہے, اور پھر حکمت کے نیچے ترغیب کے لیے فضیلت. ایک ربط ہے شریعت ہر مسئلے میں, آپ دیکھ لیں بہت جامع. اسی لیے روزوں کے بعد میں فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہمارے حضرت مولیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا جو ترجمہ فرمایا, ایسا ترجمہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. حضرت نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اللہ پر یقین رکھتے ہوئے, ایمان کا ترجمہ, اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے احتساب کا ترجمہ, اللہ پر یقین اور ثواب کے اس کے گناہ معاف ہوں گے. معلوم ہوتا ہے ثواب کی امید نہیں تو اب دنیا آ گئی, اب دنیا آ گئی تو اس روزے پر کوئی ثواب نہیں. کیسے پیارا ترجمہ فرمایا من صام رمضان ایمان و احتساب. تو شریعت میں صرف مجاہدات مطلوب نہیں ہے, اگر مجاہدات مطلوب ہوتے تو مندروں میں گردا گھروں میں بہت مجاہدات ہو رہے ہیں, وہ برسوں برسوں تک کھانا نہیں کھاتے, ان کی زندگی عورت سے الگ کرتے ہیں وہ, لیکن مجاہدات سبب ہے. اور ہماری شریعت اتنی جامع ہے کہ مجاہدات تو سبب ہے, اصل اعمال ہے, اعمال کے لیے مجاہدات کو سبب بنایا گیا. تو مجاہدہ بہت کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو حاصل کچھ نہیں ہوا. تو چار مجاہدات بتائے گئے جو ہمارے روزے میں ہیں. خوب غور سے سمجھ, قلت کلام, باتیں کم, نمبر دو قلت منام, سونا کم, نمبر تین قلت طعام, کھانا کم, نمبر چار قلت اختلاط مع الانام, ملنا کم. چار, قلت کلام, قلت طعام, قلت جو ہے اختلاط مال انام, لوگوں کے ساتھ ملنا کم,
तो चार। अब ये चार मुजाहदात हमको दी अल्लाह ने कि बातें कम करो, सो कम, खाना कम, लेकिन किस हद तक, किस हद तक, मैं इंशाअल्लाह दूसरी मजलिस में इसकी वजाहत करूंगा। इसलिए कि पहले जमाने में जो मुजाहदात है, इहयाउल उलूम पढ़ोगे तो तुम्हारा सर चकरा जाएगा, वो मुजाहदात है। हमारे अकाबिर का इहयाउल उलूम में तस्किरा है कि सलाते मनकूस करा करते थे। सलाते मनकूस का मतलब होता है अपने आप को यहां से बांध कर लटका देते थे और रात भर जिक्र करते रहते थे। इहयाउल उलूम में लिखा है एक जिक्र होता है जिक्र हद्दाद, शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जिक्र हद्दाद फरमाते थे। जिक्र हद्दाद किसको बोलते हैं? खड़े हो ला इलाहा, बैठ जाओ इल्लल्लाह, जैसे उठ बैठ करते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिक्र हद्दाद है। शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही नंबर अल्लाह मरकदहु 3 घंटे जिक्र हद्दाद करते थे, 3 घंटे। ये मुजाहदात हमसे नहीं होंगे। अगर ये मुजाहदात करवाए जाए तो खानकाहें खाली हो जाएगी। ये मुजाहदात करवाए जाए मस्जिदें खाली हो जाएगी। हमारे बाज़ अकाबिर के बाप में है कि कई कई अय्याम गुजर जाते थे और वो सिवाय आधी प्याली चाय के अलावा कुछ नहीं। हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब नाली के बड़े हजरत के बाप में, और फरमाया उस पर भी कि इत्तेबाए सुन्नत की वजह से मैं सहरी में आधा कप चाय पीता हूं, वरना मुझे इसकी भी जरूरत नहीं। ये मुजाहदा हमसे नहीं होगा। अगर ये मुजाहदा हमसे करवाया जाए तो हमारी आंखें खुलवलना पड़ेगी। भूखे होते हैं तो आंख में से आवाज आती है ना, वो है खुलवलना। अगर ऐसे भूखे रहेंगे तो आंख खुलवलना होगा। ये मुजाहदा था इसलिए कि मकसूदे शरीयत, समझो मकसूद शरीयत जो है दिल जमई मालवा है। ये पॉइंट समझने की जरूरत है। मकसूद शरीयत दिल जमई मालवा है और इंतहाई भूख के साथ अगर दिल जमई नहीं है या पूरी रात न सोने में तहज्जुद में कोई लज्जत ना आई तो फिर मकसूद ही क्या हासिल हुआ। मकसूद इसीलिए देखो मेरा जहन जा रहा है। फुकहा ने एक मसला लिखा है कि अगर खाना ठंडा हो जाए और बेलज्जत हो जाए और दिल उसकी तरफ माइल रहे तो इस सूरत में पहले खाना खा लो फिर नमाज पढ़ो। दिल जमई मकसूद है इसलिए कि नमाज पढ़ने खड़े हो गए और ख्याल चल रहा है कि खाना ठंडा हो जाएगा, बेलज्जत हो जाएगा, फिर वो चावल मजा नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है कि मेरी नमाज नमाज न रही, दिल जमी नहीं रही। तो शरीयत में दिल जमी मकसूद है। अब किस मिकदार में हम खाएं, कितना सोएं, वो इंशाल्लाह किसी और मजलिस में। मुझे इस वक्त जो खास बात अर्ज करनी है कि मुजाहदा सिर्फ मतलूब नहीं है। इसीलिए शरीयत ने मुजाहदा के साथ अमल को जोड़ा। अब समझो रमजान और मुजाहदा, अगर हमसे मुजाहदे का मुतालबा हुआ कि किल्लत तहाम खाना कम खाओ तो शरीयत ने उस पर अमल रखा। रोजा रोजा रख लो, दिन भर भूखे रहो, फिर सहरी में खा लेना, रात में खा लेना। दिन भर जो खाते थे उसमें किल्लत करा दी हमारे पास, तो इबादत से जोड़ दिया। किल्लत दाम का मुजाहदा
एक इबादत से जुड़ गया वो है रोजा। और फरमाया कि किल्लत मनाम सो वो कब, तो तरावी और तहज्जुद से जोड़ दिया। उधर तरावी पढ़ोगे इधर तहज्जुद पढ़ोगे सोना कम हो गया है ना, सोना खुद ब खुद कम हो गया। अब किस वक्त तहज्जुद के लिए उठते तो अल्लाह ने कहा तेरे ऊपर है, इन रब्बका यालम अन्नका तकूमु अदना मिन सुलुसैल लैल व निसफहु व सुलुसहु व ताइफतुन मिन अल्लज़ीन मअक वल्लाहु युक़द्दिरु अल्लैल व अन्नहार। अल्लाह हम तो बीमार भी है, फरमाया अलीमान सयकूनु मिनकुम मर्ज़ा व आखरून यज़रिबून फिल अर्ज़ यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह, बीमार है ना कमजोर है। अच्छा फजर में उठ जाना, अल्लाह अलीमान सयकूनु मिनकुम मर्ज़ा। देखें तो किल्लते ताम कहा तो रोजा रख दिया, और किल्लते मनाम कहा तो तरावी और तहज्जुद रख दिया, और किल्लत कलाम कहा तो शरीयत मुतहरा ने हमें तिलावत कुरान पर रख दिया, कुरान पर जिक्र करो, कुरान करो, कुरान और जिक्र में लगोगे तो खुद ब खुद किल्लत कलाम हो जाएगा, बातें कम हो जाएंगी। और किल्लत इख्तिलात माल अनाम कहा तो एतकाफ रख दिया, लोगों के साथ मिलना जुलना कम, ये मिलना जुलना कम हो जाएगा खुद ब खुद। तो चार मुजाहदात किए तो उसको इबादत से जोड़ दिया। अब फरमाए ये इबादत कर लो बस इतना काफी है, तो समझ में भी आ रहा है, मैं वो मुजाहदात नहीं बयान कर रहा हूं जो अकाबिर के थे, बस इतना कर लो। उधर तरावी पढ़ लो, थोड़ी सी तहज्जुद पढ़ लो, किल्लत मना, दिन भर भूखे रहो, सुबह सहरी खा लो, शाम में रात में खा लो। बेहतरीन तरीका यह है जब तक शदीद तकाजा ना हो ना खाओ, और थोड़ी भूख बाकी रहे छोड़ दो, ये बेहतरीन तरीका। और किल्लत कलाम कहा तो तिलावत कुरान रख दिया, खूब कुरान पढ़ो, जिक्र करो, तस्बीहात पढ़ो, अस्तग़फार करो। और किल्लत इख्तिलात माला नाम कहा तो एतकाफ रख दिया। अब इस पर कैफियत, आखिरी बात, इस पर कैफियत, कैफियत मतलूब नहीं है, खूब समझ लें। बाज़ लोग कहते हैं कि रोजा रखते हैं मजा नहीं आया, तिलावत कुरान मजा नहीं आया, ये इबादत मजा नहीं आया। मजा आना न आना किसी आयत में अल्लाह ने बयान नहीं किया, इबादत का मुकल्लब बनाया है उसे। आपने ये इबादत कर ली, मुकर्रब बनते चले जाओगे, मजा आए या ना आए, कैफियत मतलूब नहीं है, लज्जत आए या ना आए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत से लोग एतकाब से जब जाएंगे तो बाज मरतबा शैतान कहेगा लज्जत नहीं आई, ये शैतानी हरबा है। लज्जत मतलूब नहीं है, इबादत मतलूब है। अगर इबादत पर कायम है तो इंशाअल्लाह मुजाहदात अदा हो गए, और इबादत नहीं है। अच्छा एक बात और समझ लो, अगर सिर्फ मुजाहदात हो और ये इबादत न होती तो फिर हमारा दिल मुजाहदात तो करता लेकिन उधर इबादत नहीं तो ताल्लुक माल्लाह नहीं, और जिस दिल में मुजाहदा हुआ और ताल्लुक माल्लाह न हुआ उस दिल पर शैतान आ जाता है, फिर वो दिल शैतान भर जाता है। इस शैतान से बचाने के लिए मुजाहदे को सबक बनाकर इन इबादत को जोड़ दिया। बस ये आज का सबक है जो हमारे लिए बहुत काम था, कि ये जो हम चार इबादतें अदा कर रहे हैं ये बहुत अहम है, ये किल्लत कलाम, किल्लत मनाम, किल्लत ताम और किल्लत इख्तिलात माल अनाम की मिसालें। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभान अल्लाह व बिहमदिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका।